सच्ची में कोई माँ बेटी बोलेगा ना, आप दोनों को बहन लग रही हो, क्या बात है। नहीं मतलब करेक्टर वाइज भी देखा जाए ना तो ना, जितना ग्लोर आपको चेहरे पे होते, चेहरे आपके मोम पे है, दोनों बहन बहन चेहरे में बहुत अच्छी लग रही हो रियल लाइफ में भी। आप बताइए ऑफ स्क्रीन तो कैसे आपको बॉन्डिंग, बताया ऑन स्क्रीन तो देख ही रहे बेटी माँ बेटी में बहुत प्यार है, ऑफ स्क्रीन कैसे आप दोनों का? ऑफ स्क्रीन भी हमारा ऐसा ही बॉन्डिंग है सेम, मैं बिना बात के उसकी माँ बनते रहती हूँ और वो बड़े प्यार से मेरी बेटी बन के सब सुन लेती है। मुझे बहुत मजा आता है व्हेनेवर शी कम्स ऑन सेट और बहुत मजे करते हैं भाई, काफी यू नो इनके एक्सपीरियंसेस और उनकी जर्नी के बारे में जानने की कोशिश मेरी रहती है। अभी हमारी इस शॉर्ट से ही पहले थिएटर के एक्सपीरियंस की बात चल रही थी तो काफी कुछ जानने मिलता है, तो आई थिंक बहुत हंसी मजाक होता है, कभी ये प्रैंक करेगी कभी कुछ करेगी, तो इट्स इंटेलिजेंट वुमन होती है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं बड़ा ऑब्जर्व करती हूँ, ये मुझे नहीं आता सीखने। Why did you marry and go? I know. मैं अभी पुष्पा से ले आती हूँ तुझे वापस। ले आओ, मैं जा रही हूँ घर में। I just realized I miss her. दोनों I miss you too. मैं क्या ले जाती हूँ अभी इसको, चलो। घर में दो बहन होते हैं, लड़ाई झगड़ा थोड़ा दुख झोंक होता है ना, उस टाइप के भी हो भी रहा है, माँ बेटी सच्ची भी नहीं लग रही हूँ। एनी वे तो हो गया लाइफ में। अच्छा देखा जाए शो में, शो के तो आपका भी टीआरपी भी जो है रेगुलर अपने जगह पर स्थान है, बाकी शो के आप नीचे नीचे हो रहा है, लेकिन आपको शो को इतना प्यार मिल रहा है, बल्कि नेक्स्ट वीक आएगा उससे ज़्यादा ही आएगा आई होप। कि उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इतना मेहनत करते हो दिन रात, दिल से करते हो, यहाँ का डायरेक्टर भी है जो हर चीज़ बारीकियों से निकालते हैं। Yes. पूरा टीम वर्क है हमारे, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं दे हैव बीन अमेजिंग। हमारे प्रोड्यूसर ने शो शुरू होते वक्त जो पूरा नोट सेट किया था, एक टोन सेट जो किया था, वो थैंकफुली इतना बढ़िया था कि वो आज तक कंटिन्यू हो रहा है। और कहते हैं ना कि जब घर का सबसे बड़ा इंसान बहुत अच्छा होता है तो घर के सारे लोग बड़े खुशी में रहते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है तो ये ऐसा है हमारे लिए। They're all very positive. Absolutely. We have become a family. Oh my yeah. God, we have become a... अभी मैं बता रही थी कि अरे मैं घर वापस आ गई ऐसा लग रहा है मुझे, मैं आज एक हफ्ते बाद शूट करने आई हूँ, बिकॉज आई वॉज बिजी एल्सवेयर, तो आई टेरिबली मिस्ड यू गाइज। एंड इन लोगों ने आगे मुझे हग वग किया, मजाक शुरू हो गए, हाँ आई एम होम। देखा जाए गरिमा का भी नाम दीप्ति से लोग जान लगे, गरिमा कम जानते दीप्ति ज्यादा जानते वो दैट इज अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट। एग्जैक्टली, उन्होंने अपना पात्र इतनी खूबसूरती से ये निभा रही है, संस्कारी बहू भूल रहे हैं। हाँ, ये बड़ी बात है एक्चुअली। चल एक शो के बात करें, धर्म जी का पोल खुल गया, धर्म जो था दिलीप ही धर्म था, धर्म ही दिलीप था, क्या बोलना चाहते, एक लाइन शॉर्टकट में बताना चाहते आप? व्हाई डोंट यू से समथिंग अबाउट दैट? इनको तो पता ही था, आपको जब पता चला बड़ा शॉक, आप बड़ा शॉकिंग मिला है इनको तो। मुझे बहुत गुस्सा आया है, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं हम रिश्तेदार हैं, हम वी आर सो क्लोज, हम रिश्तेदार से भी ज्यादा दोस्त हैं, बताओ तो सही, ऐसे नहीं होता ना। नो आई अग्री, ऐसा अखबार वखबार से या कहीं बाहर से पता चल रहा है, अचानक कोई पुलिस पुलिस हमको बुला रही है, सब चीज कोई कुछ बता रहा है, तब बताओ, आई विल हेल्प। माँ तो आप अच्छी हो, लेकिन बेटी भी चाहती है, आप जो भी भला बुरा है, एक माँ और उनको मिल गया पुष्पा जो तो आपकी जैसे। अरे पर मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है ना, वो तो अब भी मिली है, पर उनको प्यार उनको बहुत ज्यादा मिला है, इसलिए हैप्पी है। नहीं, 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 प्यार की बात नहीं है एक्चुअली, प्यार दोनों माँ से बहुत ज्यादा मिला है, लेकिन बात ये है कि शायद वो सिचुएशन ऐसी थी कि दीप्ति भूल गई, वो नहीं है समय में बहुत ज्यादा अकेले अकेले सारी लड़ाइयाँ लड़ लेने की ये जो होती है ना इन लोगों को, वो चाहती कि उसकी मोम ऐसी ग्लैमरस दिखती रहे विदाउट यू नो स्ट्रेस फ्री, स्ट्रेस पहले से वैसे भी लोगों में थोड़ा सा ग्लैमर हल्का से यू नो थोड़ा कमी आ जाती है, तो मैं नहीं चाहती। अरे मेरा ग्लैमर स्ट्रेस से बढ़ता है, मेरी खूबसूरती का राज ही मेरा टेंशन है। तो आपको सेट पे कोई हॉट बोलते हैं आपको, हॉट मतलब सेक्सी हॉट लग रही, कोई बोला सेट पे आपको? मुझे हाँ, नहीं एक्चुअली मेरे ख्याल से ना लोग बोलना चाहते जरूर होंगे, पर मैं इतनी डरावनी लगती हूँ ना, बेचारा कोई आके बताता ही नहीं है कि मैं हॉट लग रही हूँ, सेक्सी लग रही हूँ, कुछ भी नहीं, सच्ची डरते हैं कि आप डरावनी, लाइक सीरियसली गाइस आप इन्हें देखो ऊपर से नीचे ये और डरावनी, आई मीन अरे बेटा मैं तो तेरे से प्यार से रहती हूँ, मैं सबसे थोड़ी सबको तो मैं ऐसी आंखें देती हूँ।
चलिए ठीक है, बेचारे डर जाते हैं, फिर कॉम्प्लीमेंट भी नहीं मिलती। अरे जिनको प्यार आता होगा वो ये भी सोचा होगा अरे ये आंखें क्या लगती है अदाएं, आए हाय। आपके जुगलबंदी लोगों को बहुत रिझाएंगे, आई होप अच्छा लगा, दोनों ऐसे खुश रहो। बल्कि पुष्पा जी भी आप लोग बहुत मिलजुल कर रहते हैं। इनमें जाते जाते आपका नाम और टीवी से बोलो, पुष्पा के फ्रेंड्स के लिए क्या बोलना चाहते हैं? मैं हूँ भक्ति राठौर और आप पुष्पा इम्पॉसिबल देखते रहिए, एक भी एपिसोड चूकिएगा नहीं। मैं हूँ गरिमा परियार, आप देख रहे हैं हम दोनों को टीवी से बॉलीवुड तक। प्लीज़ पुष्पा इम्पॉसिबल इसी तरीके से देखते रहिए और इसी तरीके से ढेर सारा, इनफैक्ट इससे भी ज़्यादा प्यार देते रहिए हमारे शो को। हम कोशिश करते रहेंगे कि आपको इसी तरीके से एंटरटेन करें। हम भी उम्मीद करते हैं कि आप दोनों को ऐसे प्यार मिले। माँ बेटी कम, बहन ज़्यादा लग रही है। यो, ये हुई बात।